अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर ये एहसान और फ़ज़ल फरमाया कि इन्हें आखिरी नबी का उम्मत ही बनाया और इनकी किताब का ज़िम्मा लिया कि मैं इसकी हिफाज़त करूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जैसे मेरे नबी पर उतरा था ये वैसे ही मेरे सामने पड़ा हुआ है। 1935 में जर्मनी बहुत ताकतवर हो गया था, वहाँ के पादरियों ने 70 बाइबल के नुस्खे इकट्ठे किए, 70। उनको जब आपस में मिलाया तो कोई एक नुस्खा दूसरे से नहीं मिलता था, इसमें कुछ और लिखा हुआ है, उसमें कुछ और लिखा हुआ है, अगले में कुछ और लिखा हुआ है, अगले में कुछ और लिखा हुआ है। तो उन्होंने इस पर क्यास करते हुए कुरान इकट्ठा किया। 1935 में अभी प्रेस इतना आम नहीं था तो हाथ के लिखे हुए नुस्खे ज़्यादा थे, तो 40,000 कुरान के नुस्खे इकट्ठे किए। अपने तो 70 इकट्ठे किए, हमारे 40,000 इकट्ठे किए, और सारे के सारे नुस्खों को उन्होंने कई साल की मेहनत के बाद जोड़ के देखा, जोड़ के देखा, जोड़ के देखा, 40,000 नुस्खों में कोई फ़र्क नहीं था। अल्लाह ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया। तौरात, ज़बूर, इंजील किसी को याद नहीं होती थी, कोई उसका हाफिज़ नहीं होता था, इसलिए उनकी नमाज में तिलावत नहीं थी, तस्बीह थी जितनी कोई पढ़ सके। लेकिन हमें अल्लाह ने ऐसी नेमत अता फरमाई कि बूढ़ा भी याद कर लेता है, जवान भी याद कर लेता है, बच्चा भी याद कर लेता है, और अगर वो उसका मतलब जानता हो और नमाज में कुरान पढ़ रहा हो तो वो एक नई दुनिया में होता है, एक नए जहान में होता है जिसमें गुम हो जाना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम को तीर लगा तो उन्होंने निकाला तो निकला नहीं, तो उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि तकलीफ़ बहुत हो रही थी। तो वो नमाज के लिए खड़े हुए तो उन्होंने तीर आराम से निकाल लिया, तो नमाज के बाद फरमाया तीर निकाल लिया, कहाँ का मुझे खबर भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं चला। तो नमाज एक में जब कुरान आता है तो एक अलग जहान कायम हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का इंतज़ाम किया, इसके हुफाज बनाए। हमारे जो अजमी बच्चे हैं वो अरबों से पहले याद कर लेते हैं, क्योंकि अरब बच्चों को अरबी आती है ना, तो वो हम माना लफ्ज़ जब भूल जाते हैं तो साथ दूसरा कोई लगा देते हैं। हमारे बच्चों ने तो रट्टा लगाना होता है, तो उन्होंने वही कहना होता है जो याददाश्त में होता है। तो अल्लाह ने इसकी हिफाजत का इस तरह इंतज़ाम फरमाया। और फिर पहले तौरात, ज़बूर, इंजील के उतरने पर आसमान के दरवाज़े बंद नहीं होते थे, लेकिन जब कुरान उतरने का वक्त आया तो अल्लाह ने सारे आसमान के दरवाज़ों पर पहरे लगा दिए। तो उस वक्त शैतान ऊपर जाते थे और वहाँ से फरिश्तों की बातें सुनकर नीचे आके जादूगरों को बताते थे। जब अल्लाह ने कुरान उतारने का निज़ाम चलाया तो आसमान के दरवाज़े बंद और उन पर पहरे लगा दिए। अब जब कोई शेफ इल्ला मन इस्तरक़ा समा फअतबहु शिहाबन साक़िब, जब कोई शैतान ऊपर चढ़ता था तो फरिश्ते उस पर आग बरसाते थे, वो जल के भस्म हो जाता था। तो अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का इस तरह इंतज़ाम किया। और फिर मेरे नबी ने फरमाया वज़ल तबसत अलैकुम अल उमूर क़त्अ अल-लैल अल-मुज़लिम फ़अलैकुम बिल-क़ुरआन, जब रात अंधेरी की तरह फितने छा जाएं और हाथ को हाथ सुझाई न दे तो तुम कुरान को मजबूती से पकड़ लें कि इसमें कोई चीज़ दाखिल नहीं कर सकती,
ना निकाल सकता है ना दाखिल कर सकता है। ये अल्लाह का ऐसा खूबसूरत निज़ाम है इसमें। फ़इन्नहु माहिलुन मुसद्दक व शाफ़िउन मुशफ़ा, इसका झगड़ा भी अल्लाह कबूल करेगा, इसकी शफ़ात भी अल्लाह कबूल करेगा। मन जालहु अमामहु क़ादहु इलल जन्ना, जो कुरान को आगे रखेगा, आगे रखने का मतलब है कि अपने आप को कुरान की ज़िंदगी के ताबे कर देगा, कुरान जिस ज़िंदगी को बताता है ये उसके ताबे हो जाएगा और अपनी सारी ख्वाहिशात को उस पर क़ुरबान कर देगा। तुस्साक़हु इलल जन्ना, कुरान इसका हाथ पकड़ के इसको जन्नत में पहुँचा दे। मन जालहु खल्फ़ ज़हरिही, जो इसे पीठ के पीछे फिर कर देगा, क्या मतलब कि कुरान के ज़िंदगी का पाबंद नहीं रहेगा और अपने नफ्स का ग़ुलाम बन जाएगा। बेसअब्दुद्दीनार व अब्दुल्कतीफ़ा, जो पैसे के ग़ुलाम बन जाएंगे, जो ज़ेब व ज़ीनत के ग़ुलाम बन जाएंगे, कुरान को पीछे फेंक देंगे, इसके मुताबिक अमल नहीं करेंगे, तो साकहु इलल नार, तो इसको धक्का दे के जहन्नुम में गिरा देगा। तो भाइयों, ये बहुत बड़ी नेमत है, इसकी तिलावत भी किया करो। और अब इतने तर्जमे हो चुके हैं कुरान के, कुछ वक्त निकाल कर इसका तर्जमा भी पढ़ा करो कि अल्लाह क्या कहता है। आपकी आसानी के लिए कहता हूँ, कुरान में 99 दफ़ा 89 या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है। ये सिर्फ़ अल्लाह ने हमसे बात की है, या अय्युहन्नास सबसे बात कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू काफरों से बात कर रहा है, या अहलल किताब यहूद व नसारा से बात कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना हादू सिर्फ़ यहूदियों से बात कर रहा है, कुल या अय्युहल काफिरून सिर्फ़ काफरों से बात कर रहा है, फिर कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये अल्लाह ने अपने हमारे नबी की तुफैल में कितनी बड़ी शहादत मिली है कि अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे वो बंदो जो ईमान लाए, यानी अल्लाह हमारे ईमान की गवाही दे रहा है, ए ईमान वालो। ये खिताब किसी को नहीं दिया, या अहलल किताब या अय्युहल्लज़ीना हादू, ये सिर्फ़ इस उम्मत को खिताब मिला है, ए ईमान वालो। तो जब अल्लाह कहता है ए ईमान वालों, तो इसका मतलब है कि सिर्फ आप से बात कर रहा है और अब किसी से बात नहीं हो रही। जैसे आप सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं कहूँ मरी नुमान ज़रा मेरी बात सुनना, तो इसको मैं करीब करके इससे बात करता हूँ, तो आप समझेंगे कि इसी से कोई बात हो रही है, हमसे नहीं हो रही। तो जब अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो वो यूँ कह रहा है कि ए ईमान वालों, जो तुम 1.5 अरब हो, तुम ज़रा अलग हो के मेरी बात सुन लो, ज़रा वखरे हो के मेरी गाल सुन लो। और कुल 90 दफ़ा अल्लाह ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उसके बाद कुछ तलब किया है कि ये करो, कुछ छोड़ने को कहा है कि ये छोड़ दो, और उसमें भी तकरार है, कोई 90 अहकाम नहीं है, 99 एक कम 90, और या अय्युहन्नबी हो इज़ा तअल्लक़तुमुन्निसा, इसको भी कायम मकाम या अय्युहल्लज़ीना आमनू के मुफस्सिरीन ने दिया है, तो सिर्फ वो पढ़ लो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए मेरी गाल सुन लो, वो चुन लो। उस पर किताबें भी लिखी हुई हैं, अलग किताबें हैं, उनका तर्जमा भी है, तो वो पढ़ लो, असल तो पूरे कुरान को, वरना चलो उतना ही पढ़ लो, तो कुरान से हमारा दिल लग जाए।